अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिब खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। जर्मन चांसलर 3 रोज़ा दौरे पर कनाडा पहुंच गए। कैनेडियन नायब वज़ीर आज़म ने जर्मन चांसलर का इस्तकबाल किया। यूक्रेन जंग पर गुफ्तगू समेत अहम मनसूबे पर भी दस्तखत होंगे। टोरंटो का पियर्सन एयरपोर्ट बदतरीन एयरपोर्ट्स में दूसरे नंबर पर आ गया। वजीर ट्रांसपोर्ट ने अमले की कमी को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। वफाकी वजीर का कहना था कि अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। GTA में मौसलाधार बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में 100 मिलीलीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। टोरंटो में अगले 2 रोज तक मौसम अबर आलूद रहेगा। भारत की शुमाली और मशरकी रियासतों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 50 अफराद हलाक। अफगानिस्तान के सूबे लोगर में सैलाब से तबाही, 20 अफराद जावाहक। यूरोप में बदतरीन खुश्क साली, दरियाए डेन्यूब में डूबे जहाज मंजर आम पर आ गए। चीन ने रूसी तेल की दरामदाद में इजाफा कर दिया। रूसी सदर के इंतहाई करीबी साथी धमाके में बाल बाल बच गए। अलेक्जेंडर को यूक्रेन पर हमले का मास्टर माइंड भी बताया गया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo or mukammal absorption. और हाथ नरम, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे ऑल डे लॉन्ग नेचुरली। ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, हेल्दी लिविंग फॉर द होल फैमिली। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। जर्मन चांसलर 3 रोज़ा दौरे पर कनाडा पहुंच गए। कनाडा की नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने मॉन्ट्रियल के ट्रूडो बैन अलावामी हवाई अड्डे पर मौजूदीन का इस्तकबाल किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स 3 रोज़ा दौरे पर कनाडा पहुंच गए। शोल्स, जिन्होंने गुज़िश्ता साल दिसंबर में एंजेला मर्कल के बाद अहदा संभाला था, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में इस दौरे के लिए उतरे, जिसमें मगरबी न्यूफाउंडलैंड में टोरंटो और स्टीफनविल में तयशुदा स्टॉप शामिल हैं। इस पूरे दौरे में उनके साथ वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक भी होंगे, जो मुल्क की एनर्जी फाइल के इंचार्ज हैं। नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने मॉन्ट्रियल के ट्रूडो बैन अलावामी हवाई अड्डे पर मौजूदीन का इस्तकबाल किया। तवक्को है कि चांसलर और वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कनाडा से जर्मनी को क्लीन हाइड्रोजन फराहम करने के साथ साथ यूक्रेन की जंग पर बातचीत करने के माहदे पर दस्तखत करेंगे। शोल्स की आमद यूक्रेन की जानब से टर्बाइन की जानब से जर्मनी को कुदरती गैस फराहम करने वाली रूसी पाइपलाइन में इस्तेमाल के लिए मॉन्ट्रियल में मुरम्मत किए जाने वाले टर्बाइन की वापसी की इजाज़त देने के फैसले को मनसूख करने के लिए एक नए मुतालबे के मौके पर है। यूक्रेन के सफीर और यूक्रेन कैनेडियन कांग्रेस ने कनाडा से इस झूठ को मनसूख करने का मुतालबा किया, जिसने एक कैनेडियन कंपनी को रूस के खिलाफ पाबंदियों से बचने के लिए टर्बाइन वापस करने की इजाज़त दी। फ्लाइट्स में ताखीर के एतबार से टोरंटो का पियर्सन एयरपोर्ट दुनिया के बदतरीन एयरपोर्ट्स में दूसरे नंबर पर आ गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
टोरंटो का पियर्सन हवाई अड्डा ताखीर के सबब दुनिया का दूसरा बदतरीन हवाई अड्डा है। कनाडा हुकूमत का कहना है कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कोविड-19 और मजदूरों की कमी को सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया। कनाडा में हजारों मुसाफिर इस मसले का सामना कर रहे हैं। चूँकि मौसम बहार में कोविड-19 की पाबंदियाँ हटा दी गयी, सफर में अचानक इजाफे से बड़े पैमाने पर ताखीर और मनसूखी और हवाई अड्डे का रश बढ़ गया। वजीर ट्रांसपोर्ट उमर अलगाबरा ने हाउस ऑफ कॉमन्स की ट्रांसपोर्ट कमेटी को बताया कि कोविड-19 और हवाबाजी की सनत में मजदूरों की कमी इसका जिम्मेदार है और ये कि हुकूमत की मदद से सफरी अफरा तफरी खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि हम गुज़िश्ता 2 माह के दौरान नुमाया बेहतरी देख रहे हैं, लेकिन अफरा तफरी खत्म होने से बहुत दूर है। फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस फ्लाइट ओवर के मुताबिक टोरंटो का पियर्सन हवाई अड्डा, जिस पर दुनिया में ज्यादातर मौसम गर्मा में परवाजों में सबसे ज्यादा ताखीर होती है, अब दूसरे नंबर पर चला गया है और मई के बाद से 7,000 से ज्यादा नाराज मुसाफरों ने कैनेडियन ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को परवाजों में खलल से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। बहुत से ममालिक के साथ कनाडा के सफरी मसाइल उस वक्त शुरू हुए जब मौसम बहार में तलब में इजाफा हुआ और बहुत से पहले छुट्टी पर गए हवाबाजी कारकुन वापस नहीं आए, जिसकी वजह से अमले की कमी थी। मई से जुलाई तक पियर्सन में दुनिया के 100 मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में ताखीर की शरह सबसे ज्यादा थी और मॉन्ट्रियल का ट्रूडो हवाई अड्डा दूसरे नंबर पर आया। इस अरसे के दौरान पियर्सन से रवाना होने वाली 53% परवाजें और ट्रूडो से रवाना होने वाली 46% परवाजें अपनी मंजिल पर 15 मिनट से ज्यादा ताखीर से पहुंची। अलगाबरा ने कहा कि कनाडा के हवाई अड्डों और एयरलाइंस को दूसरे ममालिक के मुकाबले में एक सख्त चैलेंज का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ की ट्रैवल इंडस्ट्री वबाई अमराज के दौरान अमली तौर पर रुक गई थी। अलगाबरा का कहना है कि ओटावा ने इस मसले को हल करने में जल्दी की, हमने शुरू से ही एक्शन लिया और हम करते रहेंगे। ग्रेटर टोरंटो एरिया में इतवार के रोज़ होने वाली मौसलाधार बारिशों के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि कई सड़कें जेरे आब आ गईं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रेटर टोरंटो एरिया में इतवार के रोज़ होने वाली मौसलाधार बारिशों के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि कई सड़कें जेरे आप आ गईं। टोरंटो में अगले 2 रोज तक मौसम अबर आलूद रहेगा। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक बारिश का 70% इम्कान है और पीर को गरज चमक के साथ 24 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ तूफान का खतरा है। एनवायरनमेंट कनाडा ने खत्ते के लिए मौसम की मुतादित एडवाइजरी जारी की, जबकि पील रीजन में शदीद तूफान की वार्निंग और टोरंटो और यॉर्क रीजन के लिए मौसम का खसूसी बयान जारी किया गया। पील रीजन में ब्रैम्पटन और जुनूबी कैलिडन के इलाके में एक तूफान तकरीबन साकिन था, जिसकी वजह से बहुत से इलाकों में तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश हुई। माहौलियात कनाडा ने कहा कि इन इलाकों में कुल 120 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश मुमकिन है, जहां पहले ही हफ्ते के रोज़ तूफान से नुमाया बारिश हो चुकी है। क्रेडिट वैली कंजर्वेशन ने कहा कि क्रेडिट रिवर वाटरशेड में इतवार की शाम के तूफान से पहले ही 10 से 35 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। गरज चमक के बाइस टोरंटो भी मौसम का एक खास बयान जारी किया गया था। एनवायरनमेंट कनाडा ने कहा कि शहर के शुमाली हिस्से में सबसे ज़्यादा बारिशें होंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस इलाके में 20 से 40 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। यूरोप में दरियाए डेन्यूब में पानी कम तनीन सतह पर आ गया, जिसके बायस दूसरी जंग अजीम के दौरान डूबने वाले जहाज़ों का मलबा ऊपर आ रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में 3 रोज से जारी मूसलाधार बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 50 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मशरिकी और शुमाली रियासतों में 3 रोज से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। पहाड़ों से पानी का रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया, डैम टूट गए और नदियां उबल पड़ी। सैलाबी रेले ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। लैंडस्लाइडिंग समेत दीगर वाकयात में मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 50 हो गई, जबकि दर्जन से ज्यादा लापता हैं। सबसे ज्यादा हलाकतें रियासत हिमाचल प्रदेश में हुई, जहां 36 अफराद जान से गए, जबकि उत्तराखंड में 15 और ओडिशा में 5 से ज्यादा हलाकतें हुई। ओडिशा में सैलाब के 22,800 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए, जिनके 1,20,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। नाअहल मोदी सरकार के दौर में कुदरती आफात में शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, जबकि महकमा मौसमियात की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसने रमा बरस मामूल से कम बारिशों की पेशन गोई की थी। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के सूबे लोगर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब के 22-20 अफराद जाबहक और 30 जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक लोगर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब के 22-20 अफराद जाबहक और 30 जख्मी हो गए हैं। जाबहक होने वालों में 9 बच्चे, 9 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं।
जबकि सैलाबी रेले में बहकर चार अफराद लापता हो गए। सैलाब के बायस 3,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा और हजारों लोग खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। अफगान हुकाम के मुताबिक कई दीगर सूबों को भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है और बारिशों का सिलसिला जारी है। यूरोप को एक सदी की बदतरीन खुश्क साली का सामना है। दरियाए डेन्यूब में दूसरी जंग अजीम के दौरान डूबने वाले जहाज मंजरे आम पर आ गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक दरियाए डेन्यूब में पानी कम तरीन सतह पर आ गया, जिसके बायस दूसरी जंग अजीम के दौरान डूबने वाले जहाजों का मलबा ऊपर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सर्बिया में 20 बहरी जहाजों का मलबा सामने आया है जो धमाका खेज मवाद से भरे पड़े हैं। ये जहाज नाजी जर्मनी की मिल्कियत थे जो 1944 में रूस से पसपाई के दौरान दरियाए डेन्यूब में डूब गए थे। चीन रूस से तवानाई की बड़ी मकदार दरामद कर रहा है। मुसलसल तीसरे माह के दौरान भी रूस चीन के लिए तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। चीन ने रूसी तेल की दरामदात में इजाफा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चीन ने रूसी तवानाई की दरामदात में इजाफा कर दिया। यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूसी गैस पर इन्हिसार महदूद करने की कोशिशों के दरमियान चीन और रूस के दरमियान तिजारती तालुकात मजीद फरोग पा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन रूस से तवानाई की बड़ी मकदार दरामद कर रहा है। मुसलसल तीसरे माह के दौरान भी रूस चीन के लिए तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है। जुलाई में चीन ने कुल 7.15 मिलियन टन रूसी तेल दरामद किया, जो कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में 7.6% ज़ायद है। चीन की रूस से कोयले की दरामदात जुलाई में 7.42 मिलियन टन के साथ 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले में तकरीबन 14% ज्यादा है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन तकरीबन 6 माह कबल शुरू होने वाली रूस यूक्रेन जंग के बाद से रूसी तवानाई की सप्लाई पर इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में चीन रूस से अशिया की कीमतों में रियायत का फायदा उठा रहा है। चीनी और रूसी सरबराहान के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में चीन की जानिब से बुनियादी मफादात, खुद मुख्तारी और सलामती जैसे खदशात से मुतालिक उमूर पर रूस को बाहमी तावुन की पेशकश जारी रखने का वादा किया गया था। इस हिमायत के ऐलान के बाद क्रेमलिन से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने मगरिब की गैर कानूनी पाबंदियों की पॉलिसी की वजह से आलमी मईशत की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तवानाई, मालियाती, सनअती, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में तावुन को वसत देने पर भी इत्तेफाक किया। रूस के दारुलहुकूमत मास्को में हुए कार बम धमाके में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दिमाग करार दिए जाने वाले अलेक्जेंडर ड्योगन की बेटी हलाक हो गई। मास्को में होने वाले इस कार बम धमाके का मुमकिना निशाना रूसी सदर के इंतहाई करीबी साथी अलेक्जेंडर खुद थे, मगर वो महफूज रहे। अलेक्जेंडर को यूक्रेन पर हमले का मास्टरमाइंड भी बताया जाता है। दोनों बाप बेटी अलेक्जेंडर ड्योगन और डारिया ड्योगन गैर मुल्की पाबंदियों वाली फहरिस्त में शामिल हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।